हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन ओसिमम सेंक्टम या जिसको तुलसी कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ओसिमम सेंक्टम का मदर टिंचर 2x, 3x या 60 पोटेंसी, 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी में इसको होम्योपैथिक में यूज़ किया जाता है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, माइंड को और ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करती है और जो चेस्ट की जो कंडीशन होती है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको मेंटेन रखती है, उसको स्टेबलाइज रखती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये आपका इम्यून जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। ओसिमम सेंक्टम या तुलसी के बारे में अगर आपको नॉलेज लेना है तो ये वीडियो आप मेरा पूरा देखें, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं डॉक्टर इशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। दोस्तों, ओसिमम सेंक्टम या तुलसी, इसके अगर हम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये इसका जो किंगडम है वो प्लांटाई है। सब किंगडम जो है इसका ट्रैकोबियोना, जिसको वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। डिवीज़न इसका मैग्नोलियोफाइटा, क्लास जो है मैग्नोलियोसीडा, और सब क्लास इसका एस्ट्रिडाई, और जो इसका स्पीसीज है वो ओसिमम सेंक्टम। होम्योपैथी में जो इसका मदर टिंचर है उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ओसिमम सेंक्टम या तुलसी को हम किस किस प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहली जो प्रॉब्लम है वो है फीवर। अगर आपको बुखार है, बुखार के साथ में आपको बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द है, इन्फ्लुएंजा है, तो उसके लिए ये मेडिसिन जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपको खांसी रहती है, ज़ुकाम है, डायरिया है और पूरी बॉडी में आपके पेन है, और ये जो पेन है, ये जो दर्द है आपकी हड्डियों में आपको महसूस होता है और मसल्स में आपके स्टिफनेस है और बहुत ज़्यादा आपको अगर सर दर्द रहता है, तो ओसिमम सेंक्टम इस सिम्टम्स में बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा टाइफॉइड, अगर आपको टाइफॉइड है और टाइफॉइड आपका जो है बहुत टाइम से और ये ठीक नहीं हो रहा, तो उसमें भी ये ओसिमम सेंक्टम का मदर टिंचर जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। टाइफाइड फीवर में जो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपको ठंड का महसूस होती है और उसके अलावा आपको चक्कर आते हैं, बहुत कमज़ोरी महसूस होती है और बुखार आपको बीच बीच में ठीक होकर दोबारा आ जाता है और आपके जो हाथ और पैर हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं और दोपहर के टाइम में जो है आपको बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है। अगर आपके हाथों में से और पैरों में जो है बहुत ज़्यादा हीट निकलती है तो उसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन ओसिमम सेंक्टम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा या फ्लू की अगर आपको प्रॉब्लम है तो इन्फ्लुएंजा और फ्लू में जो ये है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और इसमें अगर आपको नाक से ब्लीडिंग होती है या आपको बहुत ज़्यादा जुकाम रहता है या आपकी नाक जो है बंद होती है या आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस, अगर आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है तो उसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है तुलसी या ओसिमम सेंक्टम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपका जो गले में टॉन्सिल की प्रॉब्लम है और आपको खाने में या कोई भी चीज़ निकलने में प्रॉब्लम होती है या फिर आपको जो है गले में खराश रहती है आपके, उसके साथ आपको खांसी आती है, आपकी आवाज़ जो है भारी हो रही है और गले में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इस तरह की कंडीशन में भी ओसिमम सेंक्टम बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अगर आपके गले में कहीं पर भी अल्सरेशन है और वहाँ पर जो है म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है तो इस कंडीशन में भी ओसिमम सेंक्टम जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा अगर आपको सर में दर्द रहता है और चलने से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको चक्कर से महसूस होते हैं तो इस कंडीशन में भी जो है ओसिमम सेंक्टम बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। सर दर्द में जो सिम्टम, इसका जो मेन सिम्टम है वो आपका थ्रॉबिंग पेन होता है हेड में और आपका जो सर है वो बहुत ज़्यादा भारी महसूस होता है, जैसे किसी ने आपके सर में कोई चीज़ मार दी हो। और इस तरह का जो दर्द होता है, सर में जो दर्द होता है, वो प्रेशर अप्लाई करने से, अगर आप प्रेशर लगाते हैं उस पर तो आपको आराम मिलता है। अगर हम आँखों पर इसके इफ़ेक्ट की बात करें तो अगर आपकी आँखों से जो है कंटिन्यूसली जो है पानी निकलता है, नाक और कान की प्रॉब्लम में जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपके कान से कोई भी डिस्चार्ज निकलता है या आपको
जो है सुनने में परेशानी होती है या आपके कान में दर्द रहता है, तो इस कंडीशन में भी ये मेडिसिन जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर हम ओरल सिम्टम्स की बात करें, आपके मुंह से रिलेटेड अगर कोई भी बात करें, तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है इसका। अगर आपके जो मुंह का जो टेस्ट है वो कड़वा रहता है, ख़राब रहता है, और आपके मुंह में अगर छालें, तो इस कंडीशन में भी ये जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट इसका रहता है। और अगर आपकी जो जीभ है या ज़ुबान है वो पूरी वाइट है, या जो आपके होंठ हैं वो ड्राई हैं, सूख रहे हैं या वहाँ पर चटक रहे हैं और उनमें जो है जलन हो रही है, इस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपके जो मुंह से अगर बैड स्मेल्स आती हैं, तो उसमें भी ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। दांतों में अगर दर्द है, और ये दर्द जो है रात को और छूने से बढ़ता है, और ठंडी कोई भी चीज़ खाने पीने से बढ़ता है, तो इस कंडीशन में भी ऑसिमम सेंक्टम जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर हम एब्डोमेन या पेट के ऊपर इसकी इफ़ेक्ट की बात करते हैं, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपका पेट फूला रहता है और आपके पेट में भारीपन रहता है, और स्टूल पास करने पर या गैस पास करने पर उसमें कोई भी रिलीफ नहीं मिलता, कोई भी आराम नहीं मिलता, और पेट में दर्द बना रहता है, तो इस कंडीशन में भी ओसिमम सेंक्टम जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। डायरिया की ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, और ख़ास तौर से अगर रेनी सीज़न, बरसातों में अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें बहुत ही अच्छा इसका जो है रोल है, बहुत ही अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। आपको बहुत तेज़ बुखार है, बुखार में आपको जो है डायरिया की प्रॉब्लम है, वाटरी डायरिया है, पानी जैसा आपका डायरिया, और उसके अलावा जो है उसमें स्टूल में ब्लड या म्यूकस है, और आपको अगर बुखार है, बुखार में इनवॉलेंट्री जो है ये जो डायरिया या जो स्टूल है वो पास होता है, तो इस कंडीशन में भी होम्योपैथिक मेडिसिन ओसिमम सेंक्टम जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बच्चों में अगर बिस्तर पर सोते टाइम जो है अगर यूरिन की प्रॉब्लम होती है, उनको यूरिनेशन हो जाता है और उनके पेशाब में जलन है, तो इस कंडीशन में भी ओसिमम सेंक्टम जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। अब मैं इसके जो मैंने जैसे बताया, इसका जो मदर टिंचर है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैं इसके डोज के बारे में आपको बताता हूँ। ओसिमम सेंक्टम का आपको मदर टिंचर लेना है, और इसको आपको 2 से 3 टाइम 15 से 20 बूंदे आधे कप पानी में मिला के 2 से 3 टाइम इसको यूज़ करेंगे, तो ऊपर जितनी भी मैंने कंडीशंस बताई हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई हैं, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा ये आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो इम्यून पावर है, उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाएगी, और आपको तरह तरह की बीमारी से सर से लेके और पैर तक हर चीज़ पर, हर ऑर्गन पे इस मेडिसिन का जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसको अगर आप अपने घर में रखेंगे, अपने बच्चों को और अपने आप या अपनी फैमिली मेम्बर्स को इसे देंगे, तो एक तो उनकी इम्यून पावर इससे बढ़ेगी, और जो भी प्रॉब्लम है उनको, सर दर्द से लेके पेट के में गैस बनना, आँखों में जलन होना, नाक में या जो सांस लेने में अगर प्रॉब्लम होती है।